फ्रेंड्स, हमारे मोबाइल में बहुत सारे फ़ोटो होते हैं और कुछ फ़ोटो गलती से डिलीट हो जाते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। जो डिलीट होने के बाद हमें लगता है कि ये फ़ोटो काफ़ी इम्पोर्टेंट था जो डिलीट हो चुका है। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ फ्रेंड्स कि डिलीट फ़ोटो को आप किस प्रकार रिकवर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके बताऊँगा फ्रेंड्स, एक एप्लीकेशन की मदद से और एक बिना एप्लीकेशन की मदद से। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम उमेश कुमार, आप देख रहे हैं रियांश टेक। रियांश टेक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आपको बताते हैं ये दो तरीके जिससे आप फ़ोटो को रिकवर कर सकते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, मैं पहले तरीके की बात करूं फ़ोटो रिकवर करने का, तो उसके लिए आपको अपने फाइल मैनेजर पर जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपने इंटरनल पर जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ तीन बिंदु पर जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा हाइड सिस्टम फाइल्स की, यहाँ पर चेक रहेगा तो इसको आप अनचेक कर दें। उसके बाद आप बैक आ जाएँ। बैक आने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ एक नया फोल्डर मिल जाएगा थंबनेल्स का। तो यहाँ देख सकते हैं मेरा दिखा रहा है 1047। तो यहाँ पे वो सारे फ़ोटो जो आपसे गलती से डिलीट हो गए रहेंगे वो सारे फ़ोटो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको इसके अंदर जाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मेरे मोबाइल में 1047 फ़ोटो दिखा रहा है जो गलती से डिलीट हो चुका है या मैंने उसे डिलीट किया, वो सारे फ़ोटो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। तो जिस भी फ़ोटो को आप रिकवर करना चाहते हैं फ्रेंड्स, उस फ़ोटो को सिलेक्ट करना पड़ेगा, इस तीन बिंदु पे जाना पड़ेगा और यहाँ से उसे मूव कर दें जहाँ पे आप उसे रखना चाहते हैं। तो यहाँ ऊपर वाले ऑप्शन मूव में जाके इस तरह मूव करना पड़ेगा और जहाँ भी आप रखना चाहते हैं एसडी कार्ड या इंटरनल में, मान चलिए इंटरनल में रखना चाहता हूँ तो इंटरनल में जाके ओके कर दूंगा तो ये इंटरनल में चला जाएगा। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ वो फोटो आया कि नहीं। तो मैं बैक चला जाता हूँ तो आप देख सकते हैं किधर गया। नीचे मैं स्क्रॉल करते हुए आ रहा हूँ, देख सकते हैं वो फोटो यहाँ पे आ चुका है। तो इस प्रकार आप फोटो को रिकवर कर सकते हैं। बेसिकली होता क्या है फ्रेंड्स कि जब भी हम कोई फोटो को डिलीट मारते हैं तो वो फोटो इस थंबनेल वाले फोल्डर में आके सेव हो जाता है। हमें लगता है कि वो फ़ोटो हमारे मोबाइल से परमानेंटली डिलीट हो चुका है, पर ऐसा नहीं होता है। जब भी हम कोई फ़ोटो को डिलीट मारते हैं तो वो फ़ोटो इस थंबनेल वाले फोल्डर में आके सेव हो जाता है। एक चांस हमको मिलता है फ़ोटो रिकवर करने का। यदि आप यहां से उस फोटो को डिलीट मार देते हैं इस थंबनेल वाले फोल्डर के अंदर से, तो वो फ़ोटो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा हमारे मोबाइल से। एक मौका आपको दिया जाता है फ़ोटो रिकवर करने का, तो आप यहाँ से रिकवर कर सकते हैं थंबनेल वाले फोल्डर से। उसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ फ्रेंड। तो दूसरा तरीका है फ्रेंड्स एप्लीकेशन की मदद से। उसके लिए आपको प्ले स्टोर से ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, डिलीटेड फ़ोटो रिकवरी फ्री। ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। डाउनलोड करने के बाद इसे आपको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना, मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कर देना है, उसके बाद फिर नेक्स्ट कर देना है, उसके बाद गॉट इट कर देना है। ये इस तरह खुल के सामने आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ दो ऑप्शन मिलेंगे, क्विक स्कैन का और डीप स्कैन का। तो क्विक स्कैन कर देंगे तो ज़्यादा फोटो को रिकवर नहीं कर पाएगा, इसलिए आप डीप स्कैन पे क्लिक कर दें तो ये डीप स्कैन करेगा, बहुत सारे फ़ोटो को रिकवर करके देगा। ये स्कैन करना स्टार्ट कर दिया है तो मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसने 1292 फ़ोटो को स्कैन कर लिया है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके दिखाता हूँ आपको वो सारे फ़ोटो। ये ऐड आ गया है, मैं ऐड को हटा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसने बहुत सारे फ़ोटो को रिकवर कर लिए हैं। ये जो 62 फ़ोटो इसने रिकवर किए हैं फ्रेंड्स, मैं इसके अंदर जाके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ जो फ़ोटो दिखा रहा है ये सारे फ़ोटो मेरे व्हाट्सएप में आए थे और मेरा व्हाट्सएप में जो भी फ़ोटो आता है मैं उसे देखकर तुरंत ही डिलीट कर देता हूँ। पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ इसने वो सारे फ़ोटो को रिकवर करके मुझे दे दिया है जो मेरे व्हाट्सएप पर आए थे और मैंने उसे डिलीट किया था। तो ये एप्लीकेशन काफ़ी अच्छे तरह से वर्क करता है। वीडियो बनाने से पहले फ्रेंड्स मैंने प्रैक्टिकल करके देख लिया था कि ये एप्लीकेशन काम करता है या नहीं, और मैंने ट्राई करने के लिए मैंने अपना एसडी कार्ड को खोल लिया था, उसके बाद ये एप्लीकेशन डाउनलोड किया था। उसके बाद मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद मैंने स्कैन करके देखा तो मैंने देखा कि एसडी कार्ड वाला भी सारा फ़ोटो इसने रिकवर करके दे दिया है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा फ्रेंड कि ये ओरिजिनल क्वालिटी नहीं देता है। देख सकते हैं क्वालिटी जो है वो फट जाता है, क्वालिटी इसका ओरिजिनल नहीं रहता। मान के चलिए आपको ये फ़ोटो रिकवर करना है तो इस फ़ोटो को सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ से नीचे रिस्टोर कर देना पड़ेगा तो ये फ़ोटो आपके सेव हो जाएगा फाइल मैनेजर। ये एप्लीकेशन मुझे इसलिए पसंद आया फ्रेंड्स कि इंस्टॉल करने के बाद से ये रिकवर नहीं करता है, बल्कि आपके मोबाइल में जो पहले से भी फ़ोटो डिलीट हो चुके हैं वो फ़ोटो भी ये रिकवर करके दे देगा आपको। आप इंस्टॉल अभी किए हुए रहेंगे और आपका पहले भी फ़ोटो डिलीट हुआ रहेगा तो वो फ़ोटो भी ये आपको दे देगा।
तो मुझे लगता है फ्रेंड्स मैंने इस एप्लीकेशन के बारे में आपको सारी चीज़ें डिटेल से बता दी है। फिर भी अभी भी आपका कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें फ्रेंड्स। फिलहाल इस वीडियो में इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।